विषय हिंदी व्याकरण, इसमें वाक्य का रिवीजन करवा चुके हैं, रस का भी रिवीजन एक बार हो चुका है, दोबारा रस का रिवीजन करवा रहे हैं। पिछले क्लास में रस किसे कहते हैं, रस के कितने अंग होते हैं, रस की निष्पत्ति कैसी होती है, और अस्थाई भाव और रस का नाम दिए थे। आज रस के जो प्रकार हैं उसके बारे में समझाएंगे। तो पहला है श्रृंगार रस, जिसका अस्थाई भाव रति है। जब काव्य में नायक नायिका का मिलन होता है तथा उनके बीच रति या प्रेम होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव रति, आलंबन विभव नायक नायिका, उद्दीपन आलंबन की सौंदर्य, उसकी चेष्टाएं, प्रकृति, उपवन, मनोरम स्थल, एकांत स्थल तथा अन्य सानुकूल चेष्टाएं। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार का अर्थ है सुख या आनंद, सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। नायक और नायिका के मिलन से संयोग के में पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखा जाए, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाई, याति सबई सुध भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही, तुलसीदास जी का है। यहाँ पर राम के रूप जानकी अर्थात सीता अपने कंगन या अंगूठी के नग में के परछाई में छाया में देख के सुध भूल भूल जाती है। यहाँ पर अस्थाई भाव रति प्रेम, आलंबन विभव में श्री राम का रूप सौंदर्य तथा दुल्हन रूप में बैठी सीता आश्रय है। उद्दीपन विभव में विवाह मंडप स्थल, श्री राम के रूप सौंदर्य का आनंद लेना। अनुभव में राम का सौंदर्य कंगन के नग में निहारना। संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि है। संयोग श्रृंगार का दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार रस का दूसरा प्रकार है वियोग श्रृंगार। एक दूसरे के प्रेम में डूबे रहने वाले नायक नायिका के मिलन में अवरोध, अभाव या पूर्ण मिलन की यादें वियोग श्रृंगार कहलाता है। तन मन सेज जरे आगि दाहु, अब कह चंद भयो मोहि राहु, चहु खंड लागे अधियारा, जो घर नाही कंत पियारा। जिस घर में कंत नहीं है, पिया नहीं है, वहां पर जो है अंधेरा ही अंधेरा लग रहा है। यहाँ पर नायिका विरह की अनुभव कर रही है। यहाँ स्थाई भाव रति प्रेम है, रानी नागवती आश्रय तथा आलम्बन राजा रत्नसेन है, विभाव सेज और चंद्रमा तथा संचारी भाव पूर्व मिलन की यादें विषाद आदि हैं। उनके संयोग से वियोग या विप्लव श्रृंगार की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार श्रृंगार रस का जो है दोनों प्रकार पढ़ा दिए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके बाद है हास्य रस। हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है, हास्य चेष्टाएं, विकृत रूप, वेशभूषा, आकार और वाणी आदि देखकर हास नामक मनोविकार से परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। यानी ऐसा स्वरूप जिसको देखकर हंसी लग जाए उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण कल समझाएंगे।